नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं प्राची तिवारी। किसानों को भारत में दी जाने वाली सब्सिडी पश्चिम देशों में दी जाने वाली अरबों डॉलर की सब्सिडी के मुकाबले काफी कम है। आपको बता दें कि वाणिज्यिक सचिव अनूप वधावन ने कहा है कि भारत प्रति किसान केवल $250 प्रतिवर्ष की सब्सिडी देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित विकसित देशों ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में आरोप लगाया है कि भारत अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। भारत हमेशा कहता है कि उसकी कृषि सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन की 10% की सीमा से कम ही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को इस मामले में निर्यात सब्सिडी पर WTO के विवाद निपटान तंत्र के सामने भी लाया है। गन्ने की तरह ही अब आलू भी किसानों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आलू के सही दाम न मिलने से खफा किसान केंद्र और राज्य सरकार से लगातार आलू का सही दाम दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर आलू के सही दाम नहीं मिले तो वोट भी नहीं मिलेगा। पश्चिम यूपी के आगरा, अलीगढ़, हापुड़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मथुरा में इस समय आलू की खुदाई चल रही है, जबकि मंडियों में आलू का मूल्य काफी नीचे है। किसानों का कहना है कि पश्चिम यूपी में किसानों के बीच आलू एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ना तो किसी पार्टी को और ना ही सरकार का इस समस्या की ओर कोई ध्यान जा रहा है। समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद में आड़े आने वाली बाधाओं को खत्म कर किसानों की पूरी उपज खरीदने की मांग पर किसान संगठनों की ओर से राजस्थान के गंगा सिंह चौक पर दिए गए धरने के बाद भी किसान हितों की पूर्ति नहीं हो पाई है। किसान संगठनों के नेताओं ने 5 सूत्री मांगों का पत्र और जिला कलेक्टर के साथ हुई बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके चलते अब इन मांगों को मनवाने के लिए किसान संगठन अब 4 अप्रैल को गंगा सिंह चौक पर दोबारा से धरना देने वाले हैं। रबी सीजन की मुख्य फसलें गेहूं, चना और सरसों की पैदावार से किसान अब मालामाल होंगे। अगर किसान इन तीनों कृषि जिन्सों को समर्थन मूल्य पर बेचते हैं तो उन्हें करीब 18 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होगा। इनमें से सबसे ज्यादा रुपए किसानों की जेब में सरसों से करीब 12 अरब रुपए आएंगे। हालांकि गेहूं का समर्थन मूल्य बाजार भाव से कम होने से ये सरकारी कांटों पर बिकने कम आएंगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के 1.81 लाख किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसान गन्ना मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिलों के चक्कर लगा रहे हैं। जिले की 3 चीनी मिलें किसानों का चालू पेराई सत्र का 2.39 अरब रुपए दबाए बैठी हैं। बकाया गन्ना मूल्य पाने के लिए किसानों को समितियों और चीनी मिलों का चक्कर काटना पड़ रहा है। समय से भुगतान न होने के चलते किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग हो रहा है। हालांकि इसी के साथ चुनावी वर्ष में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो किसान बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत जरूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है, और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।